गाइस आज हमारे पास में आईको G7 Pro 5G स्मार्टफोन और इसमें ना काफी कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपको किसी को कॉल करना है, बस आपको अपने फोन को कान के पास में लेके जाएंगे तो कॉलिंग लग जाएगी, या फिर किसी की इनकमिंग कॉल आ रही है तो बस आपको अपने फोन को ऐसा कान के पास में लेके जाना है और वो पिकअप हो जाएगा कॉल। और गाइस आपको चार्जिंग एनिमेशन मिलते हैं, नोटिफिकेशन एनिमेशन मिलते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको इतने सारे एनिमेशन मिलते हैं और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और जो आप कैमरे में रिंग लाइट देख रहे हैं ये से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम एहसान है, आप देख रहे हैं टेक टू एहसान चैनल। सो गाइस पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपके दोस्त ने आपसे फोन मांगा, मतलब किसी को कॉल करने के लिए, और कॉलिंग के बाद में वो अपने फोन में गैलरी ओपन करके देखेगा या फिर व्हाट्सअप या फिर मतलब आपके फोन को छेड़ाखानी करते रहता है, तो इसके लिए ना एक सॉल्यूशन है आपके पास में। आप ना ये वाली एप्लीकेशन को पिन करके दे सकते हैं, जिससे कि ये वाला एप्लीकेशन के अलावा दूसरा एप्लीकेशन आपका दोस्त वगैरह यूज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको फोन की सेटिंग में चले जाना है, यहाँ पर सर्च कर देना है ऐप पिन करके। तो ऐप पिनिंग वाला एक ऑप्शन आ जाता है, ये देख सकते हैं आप, इसमें आप क्लिक करिएगा। अब क्लिक करने के बाद में गाइस यहां पर देख सकते हैं ऐप पिन वाला ऑप्शन है, इसे चालू कर लेना। ये पहले से आपके में बंद रहेगा, आप इसे चालू कर लेना। अब आप अपने दोस्त को फोन देंगे तो यहां पर आपको ना अपने प्रीवियस में आना है, यहां पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद में पिन वाला ऑप्शन मिल जाता है, पिन कर दो आप। अब गाइस ये देख सकते हैं जो हमारा एप्लीकेशन है वो यहां पर पिन हो चुका है, अब ये बैक भी नहीं होने वाला है। आपका जो दोस्त वगैरह है सिर्फ डायलर में ही रहेगा और कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके नहीं देख पाएगा। तो इसे ना आपको अनपिन करने के लिए ये दो फिंगर से इस तरह से करना है और आपका जो फोन है ना वो अनलॉक हो जाएगा, मतलब इस तरह से आपको पिन करके रखना है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा फोन है अनलॉक हो चुका है, मतलब कि अनपिन हो चुका है। तो इस तरह से आप पिन वाले ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट, आपने देखा होगा व्हाट्सएप में किसी ने भी डिलीट एवरीवन मैसेज कर देता है तो हम उसे देख नहीं पाते हैं, मगर गाइस आप डिलीट एवरीवन वाली मैसेज देख सकते हैं व्हाट्सएप वाली अपने फोन में ही, एक फीचर आपको मिल जाता है। तो इसके लिए गाइस आपको अपने फोन की सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन वाला, नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा और नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद में नोटिफिकेशन हिस्ट्री ये वाला ऑप्शन मिलता है आपको, इसे आप चालू कर लीजिएगा। अब गाइस 24 आवर्स के अंदर में जो भी डिलीट एवरीवन मैसेज होगी ना वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी नोटिफिकेशन हिस्ट्री में, या फिर यहाँ से कोई नोटिफिकेशन आई और आपने ऐसा क्लियर ऑल कर दिया तो वो नोटिफिकेशन है ना वो यहाँ पर आ जाती है सारी की सारी, फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट, आप गाइस यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं या लॉक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे क्रोम ब्राउजर को आप लॉक करेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट लगेगा, तब जाके ये एप्लीकेशन ओपन होने वाला है। तो इसके लिए आपको ना यहाँ पर आई मैनेजर में आना है और आई मैनेजर में आने के बाद में यूटिलिटी टूल्स मिल जाता है, यहाँ देख सकते हैं आप, और यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन वाला ऑप्शन मिलता है। इसके बाद में आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से हाइड या फिर लॉक कर पाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको विजिट मिल जाते हैं बहुत सारे और यहाँ पर भी विजिट मिल जाती है ये वाली, मैंने इनको कैसे अप्लाई किया है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इस तरह से करिएगा, आपको यहाँ पर बहुत सारी विजिट मिल जाती है, आपके में ये पहले से ऐप ड्रॉवर रहेगा, आपको यहाँ पर विजिट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ये ला लेना। अब यहाँ पर आपको इन्हें प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद में आप इनको कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इसी तरह मैंने भी लाइक लेके आया है, आपको जो भी पसंद है अभी जो विजिट वगैरह या फिर आपकी जो गैलरी में फोटो वगैरह है उनको लाना है तो वो सारा कुछ आप यहाँ से ला सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं गाइस। तो आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है और फोन की सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पर ना डायनेमिक इफेक्ट मिल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके फोन को इम्प्रेसिव बना देते हैं। मतलब आपका फोन जब भी आपका दोस्त वगैरह देखेगा तो उसको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। आप इसे देखो, चलो म्यूजिक आपने चलाया अपने दोस्त के सामने और इस तरह से आप जो वेव्स है ना वो निकल के आएंगी तो आपका दोस्त बोलेगा ये कैसे तूने लगाया है। और हाँ, यहाँ पर जो रिंग लाइट आपको देखने को मिल रही है इसे भी आप लगा पाएंगे। जो डिजाइन है चेंज करना चाहते हैं तो डिजाइन भी चेंज हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। म्यूजिक वगैरह चलाएंगे तो इस तरह से जो एम्बिएंट लाइट है वो निकलने वाली है। अब एक स्टेप बैक आना आप और यहाँ पर जो रोबोट आप देख रहे हैं ये जो रोबोट है, मतलब कि इस तरह से जो स्क्रीन वगैरह आ जाती है साइड इफेक्ट वगैरह, यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं मैसेज ओपन करूंगा तो ये जो मैसेज हमारी ओपन हो जाएगी, इसमें आप क्लिक करना और ये जो हमारा रोबोट टाइप का है ना बंदा ये निकल के आ जाता है, इसे आप कहीं पर भी रख पाएंगे। तो ये सारा कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा, बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और हाँ गाइस, जो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपको ना इनको ट्राई नहीं करना है, वीडियो पूरा देख लो आप, इसके बाद में फिर जो सारे फीचर्स हैं उनको आप एक एक करके अप्लाई करके देख सकते हैं।
अब नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो आपको फोन की सेटिंग में ही आना है और नीचे साइड में आप देखना एम्बिएंट लाइट में ही नोटिफिकेशन आई है आपकी, और नोटिफिकेशन में भी आप इफेक्ट डाल सकते हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन का इफेक्ट है वो कुछ इस तरह से निकलेगा। इनके भी जो डिजाइन है आप इनको भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर पाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह कोई इनकमिंग कॉल आई और आपके चाहते हैं कि जो एम्बिएंट लाइट है वो जलना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। अभी आप देखो ये जो साइड में एजेस हैं यहाँ पर देख सकते हैं लाइट वगैरह, कोई की इनकमिंग कॉल आएगी तो इस तरह से जो एम्बिएंट लाइट है वो जलने वाली है। और मैं ना इसलिए इतना जल्दी बता रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत सारे फीचर्स आपके लिए मेरे को बताना है ताकि आप अपने फोन को अच्छे से यूज कर पाए। एक स्टेप बैक आना गाइस आप, और यहाँ पर आपको होम स्क्रीन इंटरिंग एनिमेशन मिल जाता है, इसमें क्लिक करिएगा। अभी ये डिसेबल है देखो, और यहाँ पर आप इसे कर लेंगे ना तो अपने फोन को आप बंद करके चालू करेंगे तो इस तरह का जो एनिमेशन है वो आने वाला है। अब आपको एक स्टेप बैक आना है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिल जाते हैं। जी हाँ गाइस, बहुत सारे फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलते हैं आपको यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आपको जो भी पसंद है आप रख लेना, ये हमारा डिफॉल्ट सेट रहता है। एक स्टेप बैक आने के बाद में आपको जो एनिमेशन के रिकॉग्नाइजेशन है ना फिंगरप्रिंट वाला वो मिल जाता है। यहाँ पर आप देखो इस तरह से फिंगरप्रिंट आप जब भी लगाएंगे तो इस तरह का एनिमेशन आना चाहिए, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी लगाना है वो चूज कर लीजिएगा। और बैक आने के बाद में यहाँ पर नीचे साइड में देखेंगे आपका जो फेस का रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन होता है ना वो आप लगाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो आपको गाइस चार्जिंग एनिमेशन मिल जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग एनिमेशन किस टाइप का होना चाहिए। एक स्टेप बैक आएंगे आप, यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन के नीचे में यूएसबी वाला एक ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप इस तरह से चार्जिंग केबल लगाएंगे नीचे साइड में तो यहाँ पर भी आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से आप कुछ कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा बैक आना गाइस एक स्टेप, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, मतलब कि आपका जो फोन है बंद होगा और चालू होगा तो किस तरह के एनिमेशन आना चाहिए। आप देख सकते हैं साइड से एनिमेशन आएगा आप फोन को चालू करके बंद करेंगे तो, और ये इस तरह का आएगा आप बंद करके चालू करेंगे तो। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो गाइस आपको ना यहाँ पर डायलर में आना है, और जैसे कि आपने कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पर निकाल के रखा है, अभी हमने तो सिम वगैरह नहीं डाला है, और जो भी नंबर आपका ऊपर रहेगा और आपको कॉलिंग करना है उसको, तो बस आपको अपने फोन को ऐसा कान के पास में लेके चले जाना है और आपको ना जो कॉलिंग है ऑटोमेटिकली लग जाएगी। आपको ऐसा प्रेस करने की टच करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने फोन को कान के पास में लेके जाना है और कॉलिंग लग जाएगी। तो इसको करने के लिए मतलब इसकी सेटिंग करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, और नीचे में स्मार्ट मोशन मिलेगा और यहाँ पर स्मार्ट कॉलिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट कॉल वाला ऑप्शन है, इसे चालू कर लेना। यहाँ पर एक एनिमेशन भी दिख रहा है, आपको अपने फोन को कान के पास में लेके जाना है बस, और आपका कॉल लग जाएगा। अब इसी तरह आप चाहते हैं कि कोई इनकमिंग कॉल आई और आपका जो फोन है ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाए, आपके फोन को आप कान के पास में लेके जाएंगे तो वो भी हो जाएगा। आपने अपने जेब से निकाला फोन और कान के पास में ले गए तो ऑटोमेटिकली आपका फोन पिकअप हो जाएगा इस वाले फीचर से। इसके नीचे एक ऑप्शन मिलता है फ्लिप टू इनकमिंग कॉल साइलेंट वाला, तो इस वाले फीचर को चालू कर लेना। अब आपके फोन में इनकमिंग कॉल आती है और आप अपने फोन को इस तरह से पलट देते हैं तो आपकी जो इनकमिंग कॉल है ना वो साइलेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, अब आप गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रीवियस में आना, और यहाँ पर अभी आपको एक एप्लीकेशन दिख रहा है, मगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे एप्लीकेशन आपने जो भी ओपन करके रखा है वो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे। अब गाइस आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं अपने फोन में, मतलब कि आप दो एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको देखो यहाँ पर मैसेज ओपन किया आपने और ये थ्री फिंगर से इस तरह से करना, और एक और एप्लीकेशन आप नीचे साइड में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा जो गैलरी है वो ओपन हो गई है। अब गाइस नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं तो आपको स्मॉल विंडो मिल जाता है, स्मॉल विंडो वाला ऑप्शन मिलता है आपको मल्टीटास्किंग करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि फेसबुक ओपन किया आपने, अब फेसबुक ओपन करने के बाद में आपने यहाँ पर इस तरह से करना और यहाँ पर ऊपर साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा और ये स्मॉल विंडो वाला ऑप्शन मिलेगा। स्मॉल विंडो पर क्लिक कर लेंगे तो ये छोटी सी हमारी विंडो आ जाती है। इसका साइज को आपको बड़ा छोटा करना है तो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, या हाइड करना है और हाइड करके कहीं पर भी रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं इसे, और इसे आपको छोटा बड़ा करना है तो इस तरह से करो तो ये बड़ा हो जाता है, और इसे आप कहीं पर भी ले जाके यहाँ पर रख सकते हैं। बट इसे चालू करने के लिए आपको यहाँ फोन की सेटिंग में जाना है। फोन की सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है स्मॉल विंडो के, तो ये वाला जो सेटिंग है ओपन हो जाएगी और ये वाले जो दो ऑप्शन है आप इनको चालू कर लीजिएगा। इसके बाद में आप किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में चला पाएंगे। अब यार जो कैमरे के पास में आप जो रिंग लाइट देख रहे हैं, मैंने इसे कैसे अप्लाई किया है, तो इसके लिए ना आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हैं ये वाला एप्लीकेशन। अब इसे डाउनलोड करके ओपन कर लेना, ये बंद रहेगा आपका, इसे आप चालू कर लीजिएगा। अब इसका जो कलर वगैरह है ना आप उसे सेट कर पाएंगे, यहाँ पर सिंगल कलर रखना चाहते हैं तो ये सिंगल कलर हो जाएगा येलो कलर, या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पर सेगमेंट बैटरी सेगमेंट के हिसाब से होना चाहिए तो बैटरी सेगमेंट के हिसाब से ये हो जाएगा। आपको जो भी पसंद है यहाँ से आप रख सकते हैं, बट इसे एडजस्ट करना पड़ेगा छोटा बड़ा करके आपके फोन के हिसाब से पहले। नेक्स्ट, आपको फोन की सेटिंग में जाना है और फोन
फोन की सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, यहाँ पर आ जाइएगा और यहाँ पर वॉलपेपर वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको जो भी वॉलपेपर सेट करना है गाइस यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, और आपको लाइव वॉलपेपर वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इस तरह का लाइव वॉलपेपर आपके फोन में लग जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बैक आना है, और बैक आने के बाद में यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है। जी हाँ गाइस, आपके फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भर भर के मिलते हैं, और एक मुझे पर्सनल फेवरेट है मेरा, जो कि आगे आपको मैं बताने वाला हूँ, बट इसे अभी चालू करना पड़ेगा। अब चालू करने के बाद में आप देखेंगे आपका जो स्क्रीन है ना, मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहां पर इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, बट जो मैंने जैसे पहले बताया था मेरा पर्सनल ये वाला है। अब ये देखेंगे आप ना, अपने जो वेदर के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहता है, दिन है तो दिन के हिसाब से रहेगा, दोपहर के टाइम में ये अलग सूरज देखेगा और शाम के टाइम में सनराइज के टाइम में अलग देखेगा, तो इसे आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो आप अपने हिसाब से यहां पर चूज कर लेना जो भी आपको अच्छा लगता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपका फोन बंद रहेगा तो ये इस तरह से दिखेगा। अब यहां पर आपको यूआई कलर मिल जाता है गाइस, यूआई कलर मतलब अभी आप देखेंगे ये हमारा डिफॉल्ट में ब्लू कलर देखने को मिल रहा है। हम कुछ भी चीज चालू करेंगे तो यहाँ पर ब्लू कलर देखने को मिलेगा अभी, और अब इसके आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। आप यूआई कलर को मतलब चालू कर लेना, ऑन कर लेना, इसके बाद में आप देखो मैंने ग्रीन कर लिया। अब ऊपर साइड का जो हमारा यूआई कलर है वो सारा का सारा ग्रीन हो चुका है, और वॉलपेपर के हिसाब से आप कलर चूज करना चाहते हैं, आपने जो भी वॉलपेपर लगाया है उसके मैचिंग हिसाब से कलर यहाँ पर मिल जाते हैं, आपको जो भी लगाना है वो आप यहाँ पर पिक कर पाएंगे। अभी इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई कलर टू आइकन, मतलब कि गाइस ये आइकन अभी नॉर्मल आइकन दिख रहे हैं, आपको वॉलपेपर के हिसाब से कलर रखना है, मतलब यूआई के हिसाब से कलर आपको रखना है, तो इसे आप अप्लाई कर लेना। अब अप्लाई करने के बाद में आप देखेंगे इस तरह के जो आइकन है ग्रीन ग्रीन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो भी आप यहाँ पर यूआई का कलर लगाएंगे वही आपको यहाँ पर आइकन का कलर भी मिलने वाला है। नेक्स्ट गाइस आपको ना अपने फोन के यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है। फोन की सेटिंग में जाने के बाद में आप नीचे आना थोड़ा सा, और एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इसमें ना आपको बहुत ज्यादा भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट मोशन में आना, और यहाँ पर आप देखेंगे स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें आप क्लिक करिएगा। अब क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे राइज टू बैक वाला ऑप्शन मिलेगा, ये सारे आपके में बंद रहेंगे। डबल टैप टू बैक वाला ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे कि आपका फोन ये बंद है और आप यहाँ से बंद स्क्रीन में डबल क्लिक करेंगे तो जो आपका फोन है वो चालू हो जाएगा, या फिर गाइस ये जो ऑप्शन है डबल टैप वाला इसे भी आप चालू कर लीजिएगा। होम स्क्रीन में है और आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो फोन है लॉक हो जाएगा, और इसी तरह आपका लॉक है फोन और आप डबल क्लिक करेंगे तो फोन चालू हो जाएगा, आपको ये पावर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब गाइस आपको एक स्टेप बैक आना है, यहाँ पर आपको मिलता है सेट टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट वाला, ये आपके में बंद रहेगा, इसे आप चालू कर लेना। अब चालू करने के बाद में आप यहाँ होम स्क्रीन में है और आप इस तरह से हिलाएंगे ना तो जो फ्लैश लाइट है आपकी वो चालू हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं जो हमारी फ्लैश लाइट है वो चालू हो चुकी है। भाइयों प्यार गाइस आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और बताओ कॉमेंट करके मुझे कि सबसे अच्छा कौन सा फीचर आपको लगा। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको पार्ट 2 की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।